आज हमारे पास है ये काठियावाड़ी पेड़े। पेंडे क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे गुजरात में पेंडे बोलते हैं और बाकी स्टेट में आई थिंक उसको प्रॉपर हिंदी में पेड़ा बोलते हैं, है ना। मुझको आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलो आज हम गुजराती स्टाइल में बना रहे हैं तो पेंडा ही बोलेंगे इसको। तो आज हम बनाएंगे पेंडे से शेक। तो हमें चाहिए यहाँ पे काठियावाड़ी पेंडा, 4-5 पेंडा चाहिए। और अगर आपके स्टेट में काठियावाड़ी पेंडा नहीं मिलता है ना, तो आप मथुरा के पेंडे भी ले सकते हो, क्योंकि उसका और इसका टेस्ट दोनों का सिमिलर टेस्ट होता है, तो चलेगा, ठीक है। तो 4-5 पेंडे ले लिए और थोड़ा सा काजू ले लिया और थोड़ा सा घर का मलाई एंड थोड़ा सा मिल्क, 1 कप 2 कप जितना आपको बनाना है क्वांटिटी में उतना आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें कुछ मेजरमेंट नहीं है, अपने हिसाब से लेना है और बस उस ब्लेंड कर देना है और उसको एक जार में भर देना है और ऊपर से डालना है थोड़ा सा आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, और ऊपर से थोड़ा गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा और काजू। काजू तो मुझे बहुत ही पसंद है, मैं तो भर भर के डालती हूँ। तो आपको कोई भी और ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे काजू ज़्यादा पसंद है, मैंने काजू डाला है और ऊपर से लगा दिया एक स्ट्रॉ। तो ये हमारा पेंडा शेक बन के रेडी हो चुका है और देखने में तो कितना मस्त लग रहा है और पीने में तो बहुत ही मस्त था। एक बार तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ऐसा शेक तो है ना मैंने कभी नहीं पिया है। और बच्चे तो वैसे दूध भी नहीं पीते हैं और ये खाते नहीं हैं कुछ मिठाई अच्छे से, तो इस बहाने शेक शेक करके सब पी लेंगे और हेल्दी भी उनको मिल जाएगा, कुछ हेल्दी ड्रिंक मिल जाएगा। तो ये शेक हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। ओके बाय, जय श्री कृष्णा।